हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप अप आईएएस। आज हम फिर हाजिर हैं अपने इस डिस्कशन में जिसका नाम है सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन थ्रू द हिंदू। आज है 20 जुलाई 2017 और हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदू के आर्टिकल्स। तो आइए सबसे पहले एक ओवरव्यू लेते हैं कि ऐसे कौन से आर्टिकल्स आज हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो कॉर्नर में आर्टिकल है, ये सिनेमा एंड सेंसरशिप से रिलेटेड आर्टिकल है। अभी एक मूवी रिलीज होने वाली थी इंदू सरकार, जो कि इमरजेंसी से रिलेटेड मूवी थी, उस पर काफी कॉन्ट्रोवर्सी चल रही थी। हालांकि वो मूवी कल रिलीज हो गई, तो उसमें सेंट्रल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन का क्या रोल है और किस तरीके से जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो इससे जुड़ा हुआ है, उसे हम इस आर्टिकल में यहाँ पर देखेंगे। ये आर्टिकल बिहार की पॉलिटिक्स से रिलेटेड आर्टिकल है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है तो हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर जो नीचे आर्टिकल हम देख रहे हैं, ये पब्लिक हेल्थ में प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाने का जो एक मसौदा नीति आयोग ने तैयार किया है, उस पर कुछ महत्वपूर्ण बातें की गई हैं। इससे रिलेटेड एक आर्टिकल हमने कल भी डिस्कस किया था, तो जो कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ होंगी उसे हम यहाँ डिस्कस करेंगे। यहाँ जो नीचे हम आर्टिकल देख रहे हैं, ये एबॉर्शन से रिलेटेड आर्टिकल है कि इसमें महिलाओं का जो राइट है वो किस तरीके से जुड़ा हुआ है, उसे हम यहाँ देखने की कोशिश करेंगे। आज इस पेज पर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है डिस्कस करने के लिए, बिकॉज टुडे इज सैटरडे एंड दैट इज ग्राउंड जीरो। और ये सबसे पहले हम जो एसे के लिए कोटेशन हर दिन देखते हैं, वो देखते हैं कि आज क्या है। आज का जो कोटेशन है वो है, इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। मार्टिन लूथर किंग का ये एक स्टेटमेंट है। जब भी आप कोई भी ऐसे जुडिशरी से रिलेटेड लिख रहे हो, तो निश्चित तौर पर ये लाइन आपके काम आ सकती है। इस लाइन को आपको याद रखना है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। तो फिर आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के डिस्कशन को। जो पहला टॉपिक है सिनेमा एंड सेंसरशिप, आप इसको पेपर टू के फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 19(6) डेमोक्रेटिक फ्रीडम से एसोसिएट कर सकते हैं, राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन। कंटेक्स्ट यही है कि मधुर भंडारकर की एक मूवी जो रिलीज होने वाली थी इंदू सरकार, इमरजेंसी जो इम्पोज की गई थी 1975 के दौरान, उससे रिलेटेड ये मूवी थी। तो कांग्रेस जो एक्टिविस्ट हैं उनके थ्रू और भी कई तरीके के जो कंट्रोवर्सी थी वो इस मूवी से रिलेटेड इमर्ज हो रही थी। अब देखिए, एक बात जो इसेंस के तौर पर इस आर्टिकल में कही गई है वो ये है कि आज फ्रीडम ऑफ जो फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसके लिए काफी बैटल लड़नी पड़ती है। वो कोई भी व्यक्ति हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, मूवी मेकर्स हो या फिर न्यूज हाउसेस हो, तो इसके लिए ये जरूरी है कि जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है वो भी इस बात का ध्यान रखे, साथ ही जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है उसको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उस आर्टिकल में क्या है। आर्टिकल में हम देखते हैं कि सबसे पहले एक पिटीशन फाइल की गई थी। एक महिला थी जिन्होंने ये क्लेम किया कि वो संजय गांधी जी की बेटी है, जिनका की बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल रोल था जब इमरजेंसी इम्पोज की गई थी इंदिरा गांधी के टेन्योर में। और उन्होंने कोर्ट से ये गुहार लगाई कि ये जो मूवी है मधुर भंडारकर जी की इंदू सरकार, इसमें बहुत ही गलत पिक्चर शो की गई है संजय गांधी जी की एज वेल एज इंदिरा गांधी जी की, तो इस मूवी को रोकना चाहिए और इसकी रिलीज को अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि बिना किसी वैलिड रीजन के मूवी की रिलीज को नहीं रोका जा सकता, बिकॉज इस मूवी से या किसी भी मूवी से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो कि एक फंडामेंटल राइट है वो जुड़ा हुआ होता है। तो इस तरीके से जुडिशरी ने जो एक वेल एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल था फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, उसको इंश्योर करने की कोशिश की। हम देखते हैं कि फिल्म जो होता है वो एक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन होता है। जो मूवी मेकर्स होते हैं वो अपनी आर्ट को वहां पर शो करते हैं, जो कि लॉ के पैरामीटर्स के अंदर किया जाता है। इसीलिए बिना प्रॉपर जस्टिफिकेशन के किसी भी मूवी पर रोक लगाया जाना हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन कहा जाएगा। रीसेंट का जो एक्सपीरियंस है सीबीएफसी का, वो ये हमें दिखाता है कि सीबीएफसी वैसे तो महज एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी है, लेकिन वो लगातार जो मूवीज हैं उनको सेंसर करने की कोशिश करते हैं एज वेल एज करते भी। जबकि देखिए, सीबीएफसी का जो मेजर रोल है वो मूवीज को सर्टिफाई करना है, ना कि सेंसर करना। अगर कोई एडल्ट कंटेंट मूवी में है या कुछ ऐसा है जो चाइल्ड के लिए या चिल्ड्रंस के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, तो सेंसर बोर्ड को चाहिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड को चाहिए कि वो उस मूवी को ए सर्टिफिकेट दे। अगर वो मूवी फैमिली के देखने लायक है तो उसको यू का सर्टिफिकेशन दिया जाना चाहिए। जबकि अगर वो किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए है, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए अप्रोप्रिएट है, रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए अप्रोप्रिएट है, तो उसको एस कैटेगरी दी जानी चाहिए। तो देखिए, नाम ही है इसका सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, फिल्म सेंसरशिप इसका नाम नहीं है, फिल्म सर्टिफिकेशन नाम है। तो इनको सर्टिफाई करना चाहिए, ना कि सेंसर करना चाहिए। ये बात इस आर्टिकल में कही जा रही है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी सीबीएफसी को इस बात को रिमाइंड करवाने की कोशिश की कि उनका जो प्राइमरी रोल है वो सर्टिफिकेशन है, ना कि सेंसरशिप।
जो लगातार वो अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हैं और फिल्म में कई तरीके के कट्स लगाते हैं, जैसे कि 14 कट्स लगाए गए थे इस इंदू सरकार मूवी में भी, जिससे कि जो मूवी का एक्चुअल इसेंस है वो ही खत्म होता नजर आ रहा था। उसके बाद एक रिवाइजरी कमेटी बैठाई गई जिसने इन कट्स को कम किया। तो कहना ये है कि जो ये सेंसरशिप अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है उनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के दायरे में रहकर करना चाहिए। साथ ही अभी हमने और भी मूवीज का देखा कि अभी एक मूवी आई थी उड़ता पंजाब, उस पर भी काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। ये एलिज किया गया था कि उसमें पंजाब की जो ड्रग्स रैकेट्स हैं उनकी बहुत अलग तरीके से पिक्चर शो की गई है। इस आर्टिकल में भी एक मूवी का नाम मेंशन है, लिपस्टिक अंडर माई बुरका, जिसके ऊपर भी काफी कॉन्ट्रोवर्सी इमर्ज हुई थी, हालांकि अल्टीमेटली ये मूवी रिलीज हुई। ठीक है, तो इनका कहना यह है आर्टिकल का, एक फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल होना चाहिए। इनफैक्ट आर्टिकल में ये बात है कि जो फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल है उसको इंटरवीन करना पड़ा था इस मूवी को रिलीज करने के लिए, लिपस्टिक अंडर माई बुरका, जिस पर कि जो ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है वो इस बात पर राजी नहीं हो रहा था। उन्होंने काफी अड़चने लगा रखी थी इस मूवी की रिलीज पर। तो ये सारी बातें जो है वो इस आर्टिकल में की गई हैं। आगे कंक्लूजन में हम क्या बोल सकते हैं, कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि जो ये अभी हाल में इंस्टेंसेस हमें देखने को मिल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसके सामने कई तरीके के चैलेंजेस हैं। कुछ चैलेंजेस जो हैं वो सिस्टमैटिक जो फ्रेमवर्क है उसके अंदर से आते हैं, जबकि कुछ आउटसाइड से भी आते हैं। अंदर से अगर हम बात करते हैं तो जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड है वो भी लगातार जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसको कर्ब करने की कोशिश करता है। साथ ही अगर हम आउटसाइड की बात करें तो हमने देखा कि कांग्रेस के जो एक्टिविस्ट हैं, इवन जो कांग्रेस के लीडर्स हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि अगर वो 2002 में जो दंगे हुए थे गुजरात में, अगर वो उन पर मोदी के रोल को लेकर एक मूवी बनाए तो क्या जो भाजपा के एक्टिविस्ट हैं वो उसको रिलीज होने देंगे। तो भाजपा जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो भी काफी लंबे समय से इस पर कर्ब करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि इसमें आर्टिकल में भी जिक्र किया गया है कि जो संजय गांधी की एलिज एक बेटी है उन्होंने भी कोर्ट से ये गुहार लगाई कि इस मूवी को रिलीज ना होने दिया जाए। तो इन एलिमेंट्स को हम आउटसाइड एलिमेंट के तौर पर देख सकते हैं जो कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है मूवीज का उसको चैलेंज करने की कोशिश करते हैं। साथ ही हम ये भी देखते हैं कि सेटिस्फेक्शन की जो बात है वो ये है कि जो कोर्ट है उसने राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो हमारा आर्टिकल 19 है, फंडामेंटल राइट 6 डेमोक्रेटिक फ्रीडम, उसका जो क्लॉज 1 है राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कोर्ट ने इस चीज को प्रायोरिटी दी और इस मूवी के रिलीज पर मुहर लगाई, बजाय इसके कि वो लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देते या फिर किसी भी पार्टिकुलर कम्युनिटी की जो सेंस है उनको हर्ट होने का हवाला देते या किसी भी व्यक्ति को बैड लाइट में शो किया जा रहा है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस मूवीज की जो रिलीज है इस मूवी की उसको कर्व करने की कोशिश करते, हाई कोर्ट ने इन चीजों को महत्व नहीं दिया। जो हमारी जुडिशरी है उसने इन चीजों को महत्व नहीं दिया, बल्कि उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को महत्व दिया और इस मूवी के रिलीज का जो रास्ता है वो साफ किया। आप देखिए कई सारे स्टेट्स भी जो मूवीज की रिलीज है उनको लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर रोकने की कोशिश करते हैं, तो कोर्ट ने ये बात साफ की कि लॉ एंड ऑर्डर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो महज इस नाम पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रोकने की कोशिश नहीं कर सकते। तो अभी इसेंस में यही बात कही जा रही है कि आज जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसको कई तरीके के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और अपने राइट को बहुत यूजफुली एक्सपीरियंस करने के लिए उन्हें एक बैटल लड़नी पड़ती है और तब जाकर वो अपने राइट्स को फील कर पाते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल था जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको लिखना है। डू यू थिंक द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन डिसीजन टू नॉट टू इशू सर्टिफिकेट टू सर्टेन मूवीज इज एन असॉल्ट ऑन राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन? In your opinion, what should be the major objective of CBFC while certifying the movies? Critically comment. आपको इसका जवाब लिखना है। फ्रेम करिए इस क्वेश्चन के जवाब को। अगला आर्टिकल है, not just a question of weeks. ये सवाल कुछ महीनों का नहीं है। इस आर्टिकल में क्या है आइए हम बात करते हैं। पेपर 2 से इस टॉपिक को एसोसिएट करेंगे गवर्नमेंट पॉलिसीज से। ठीक है, कंटेक्स्ट क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए कंटेक्स्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक केस में एबॉर्शन को मना किया। काफी दुखद केस है ये। 10 साल की एक बच्ची के साथ रेप होता है और इस वजह से उस बच्ची के पेट में एक बच्चा आता है जिसको अभी 32 वीक्स हो चुके हैं।
एक प्ली हमारे सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई कि इस केस में उस बच्ची को एबॉर्शन का राइट दिया जाना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि इंडिया में एक लॉ है जिसके तहत अगर जो प्रेगनेंसी है वो 20 वीक्स से ज्यादा कंटिन्यू हो जाती है तो उस पर जो एबॉर्शन है उसका राइट नहीं दिया जाता है। यहां इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो मेडिकल कंसल्टेंट्स थे उनसे कंसल्ट किया, उन्होंने इस बारे में बात की कि क्या इस केस के दौरान एबॉर्शन पॉसिबल है। तो जो डॉक्टर्स थे उनका ये कहना है कि चूंकि प्रेगनेंसी को 32 वीक्स हो चुके हैं तो इस कंडीशन में अगर एबॉर्शन अलाउ किया जाता है तो बच्ची की जान को खतरा हो सकता है या निश्चित तौर पर बच्ची की जान को खतरा है। इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इस एबॉर्शन की रिक्वेस्ट को निग्लेक्ट कर दिया, मना कर दिया। देखिए ऐसे केसेस में जो डॉक्टर्स की राय होती है वही अल्टीमेट डिसीजन होता है कोर्ट का, क्योंकि कोर्ट इसी आधार पर इस चीज को डिसाइड करते हैं ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल केसेस में कि एबॉर्शन का राइट दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। हालांकि अगर हम लॉ की बात करते हैं जिसके तहत ये कहा गया है कि अगर जो फीमेल का फर्टस है वो 20 वीक से ज्यादा हो चुका है उनको एबॉर्शन का राइट नहीं दिया जाएगा, तो इसके कंट्रास्ट है क्योंकि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में एक महिला को एबॉर्शन का राइट दिया था जबकि उनका जो फर्टस था वो 20 वीक से ज्यादा का था। इसमें डॉक्टर्स जो मेडिकल बोर्ड था उसने रिपोर्ट दी थी कि उस बच्चे को मेंटल इंजरी है या कार्डिक प्रॉब्लम है जिसको बहुत ज्यादा मल्टीपल सर्जरीज की जरूरत होगी और उसके बाद भी जो उसका नॉर्मल लाइफ होगी वो अच्छी नहीं होगी। ये केस काफी पहले न्यूज़पेपर में आया भी था। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने उनको एबॉर्शन का राइट दिया था। ऐसा नहीं है, ये मतलब ऐसा पहली बार नहीं था जब सुप्रीम कोर्ट ने एबॉर्शन का राइट इस केस में दिया, इसके पहले भी उन्होंने कई सारे केसेस में ऐसे राइट्स दिए। बट हम देखते हैं कि जो कैप लगाया गया है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत जो अभी हम बात कर रहे थे 20 वीक्स का, ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। देखिए होता यह है कि जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं वो इस चीज को इवैल्यूएट करते हैं कि जो प्रॉब्लम्स हैं फर्टस में वो हैं या नहीं, या नॉर्मल लेवल पे आप जाकर देखें तो जो आशा वर्कर्स होती हैं गांवों की, अगर आप बात करें विलेजेस की बात करें तो जो महिलाएं होती हैं वो आशा वर्कर्स जो होती हैं एग्रीटेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट उन्हीं पर रिलाय करती हैं अपनी प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए या फिर प्राइमरी फ्यूटस की जानकारी के लिए। इन कंडीशंस में काफी मुश्किल होता है अर्ली डिटेक्शन कि वास्तव में फोइटस को क्या प्रॉब्लम है। दूसरी बात, एक नॉर्मल बात मैं आपको बताता हूं, जो नॉर्मल इंपेयरमेंट्स हैं फोइटस के वो 18 टू 20 वीक के दौरान ही डिटेक्ट ही किए जा पाते हैं। उसके पहले इनको डिटेक्ट किया जाना मुश्किल होता है क्योंकि इसी दौरान जो फोइटस होता है वो सस्टेनेबली डेवलप हो पाता है, सब्सटेंशियली डेवलप हो पाता है। मतलब फोइटस जो रियल शेप लेता है वो इस दौरान लेता है, तो फोइटस के साथ कोई दिक्कत है या नहीं है वो इसी दौरान ही पता ही चल पाती है। तो ये काफी लेट होता है। इस आधार पर अगर हम देखें तो ये जो 20 वीक्स का कैप है ये अप्रोप्रिएट नहीं है क्योंकि इस दौरान ये पता लगा पाना कि वास्तव में दिक्कत है या नहीं है ये मुश्किल होता है। ज्यादातर केसेस में जो जानकारी मिलती है वो 20 वीक्स के बाद ही मिलती है, लेकिन तब जो हमारा लॉ है वो एबॉर्शन को परमिट नहीं करता, तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। दूसरी बात ये है कि जो एबॉर्शन का प्रोसीजर है जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एडवाइस करते हैं वो केवल दो ही बेसिस पर करते हैं कि माँ को इस एबॉर्शन से खतरा है या नहीं है, दूसरी बात उस बच्चे की मेंटल हेल्थ या जो फिजिकल हेल्थ है वो किस प्रकार से अफेक्ट होगी। तो ये भी एक लिमिटेशन है एबॉर्शन पर। इसके अलावा हम देखते हैं कि इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जो विलेजेस में फीमेल्स हैं वो केवल आशा वर्कर्स पर ही डिपेंड होती हैं, हमने देखा कि 2016 में हमारी गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, इसके तहत जो पूरे नौ महीने हैं उसमें जो गवर्नमेंट प्रैक्टिशनर्स होंगे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होंगे वो इस लगातार इस बात का ध्यान देंगे कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनकी कंडीशन क्या है, उनका मेडिकल चेकअप वगैरह किया जाता रहेगा।
इसके अलावा देखिए 2014 में एक बिल भी इंट्रोड्यूस किया गया था, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल, जिसमें ये जो टाइम पीरियड है 20 वीक्स से इसको 24 वीक्स किए जाने की बात चल रही थी। हालांकि ये जो अभी एक्ट है ये अभी पास नहीं हो पाया है, ठीक है। इसके साथ ही साथ जो दायरा है एबॉर्शन का इंट्रोड्यूस करने का रजिस्टर्ड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के जरिए, उसकी जो डेफिनेशन है उसको भी इंक्रीज किया गया और उसमें आयुर्वेदा, यूनानी और होम्योपैथी को भी इंक्लूड किया गया। अब देखिए जो लीगल रिस्ट्रिक्शंस हैं वो कई तरीके के इम्पोज किए जाते हैं। जैसे WHO ने कहा कि जो लीगल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किया गया है 20 वीक का, या अदर कंट्रीज में अदर अदर प्रोविजंस होते हैं, ये निश्चित तौर पर बहुत फायदा नहीं पहुंचाते हैं, क्योंकि इससे एबॉर्शंस की संख्या घटती नहीं है, बल्कि जो लोग पैसे जिनके पास हैं वो अदर कंट्रीज में जहां पर ये चीजें लीगल हैं वहां पर जाते हैं और एबॉर्शन को अप्रोच करते हैं, और इस तरीके से जो इलीगल है या फिर जो अनसेफ एबॉर्शन है उसको भी लोग अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, जो कि कई बार काफी महंगा होता है, इसमें काफी डिले होता है और इसके कई सारे सोशल इनइक्विलिटी को भी ये क्रिएट करता है, क्योंकि जिनके पास पैसा है वो तो अल्टीमेटली एबॉर्शन करवा ही लेते हैं, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है वो नहीं करवा पाते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं जो रिच लोग हैं उनके ऊपर ये लॉ इम्प्लीमेंटेड नहीं है, इनडायरेक्टली हम ये बात कह सकते हैं। इसके साथ ही साथ इससे रिलेटेड एक और इशू एसोसिएटेड है कि इसके पहले इस एक्ट को इस आधार पर भी चैलेंज किया गया था, ये जो रिप्रोडक्टिव च्वाइसेस होती हैं उसको भी नुकसान पहुंचाता है। एक महिला को ये राइट होना चाहिए कि वो बच्चे को पैदा करना चाहती है या नहीं करना चाहती है, ठीक है। लेकिन कोर्ट ने इस बारे में क्या सोचा, कोर्ट ने इस चीज को ऑब्जर्व किया कि ये जो बच्चा होता है, ये जो चाइल्ड होता है जिसको एक माँ जन्म देती है, वो स्टेट के इंटरेस्ट से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए जब तक कि जो स्पेसिफिक कंडीशंस हैं वो फुलफिल नहीं हो जाती तब तक प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का जो राइट है वो किसी भी फीमेल को नहीं दिया जाएगा। तो ये कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था। अब यहाँ पर कुछ इथिकल इश्यूज भी जुड़े हुए हैं, जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन को क्या ये राइट नहीं होना चाहिए कि वो अपने बच्चे को जन्म दे या फिर ना दे। अब देखिए अगर किसी महिला ने वॉलेंट्री इस बात को चूज किया है कि वो प्रेग्नेंट होगी, तो क्या उसके पास ये वॉलेंट्री राइट नहीं होना चाहिए कि वो अपने बच्चे को ना रखे, अगर कंडीशन इंप्लाइड यह है कि उसको इस बात के लिए फोर्स ना किया जा रहा हो, ठीक है। ये काफी सेंसिटिव टॉपिक है एबॉर्शन का पूरी दुनिया में, और हर कंट्री में इसके लिए कुछ न कुछ टाइम लिमिट्स डिसाइड की गई हैं, लेकिन निश्चित तौर पर हर कंट्री में जो टाइम लिमिट्स डिसाइड की गई हैं वो 20 वीक्स से ज्यादा है, और ये 20 वीक्स का जो टाइम है ये अप्रोप्रिएट नहीं है, ये इस आर्टिकल का कहना है। आइए देखते हैं कंक्लूजन में क्या है। कंक्लूजन ये है कि हमें यूनिफॉर्मिटी लानी होगी मेडिकल स्टैंडर्ड में, लॉन्ग पेंडिंग जो ये बिल है इसको भी पास करना होगा, जिसमें 2014 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें जो ये एबॉर्शन का टाइम पीरियड है उसको 20 वीक से 24 वीक्स की जाने की बात की गई थी, साथ ही उस बिल को पास करने की जरूरत है। हमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स, स्टैंडर्ड्स, ऑब्जेक्टिव भी डिसाइड करने की जरूरत है, ताकि जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं वो इस बात को इंश्योर कर सकें कि जरूरत है या नहीं है एबॉर्शन की, क्योंकि ज्यादातर केसेस जो हैं वो कोर्ट के जरिए ही सॉर्ट आउट किए जा सकते हैं, और अगर ऐसे पैरामीटर डिसाइड नहीं किए जा सके तो ये कोर्ट के जरिए कई बार प्रेगनेंसीज के इशू को सॉल्व किया जाता है, ये निश्चित तौर पर जो जस्टिस है उसको इंश्योर करने में सक्षम नहीं होंगे। तो ये पूरा आर्टिकल हमने यहाँ पर डिस्कस किया। आइए हम अपने अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ, पेपर 2 से टॉपिक को एसोसिएट करेंगे गवर्नमेंट पॉलिसीज से, ठीक है। कंटेक्स्ट यही है कि नीति आयोग ने अभी एक प्लान रिवील किया जिसमें उन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के टीयर 1 या टीयर 2 टाउन्स हैं वहां पर जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें प्राइवेट सेक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट को इंश्योर करने की कोशिश की। इस मॉडल में क्या बात की गई है, इसमें कंसेशनल एग्रीमेंट करने की बात की गई है प्राइवेट एंटिटीज से, जिनमें होगा ये कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है जैसे कैंसर या फिर अदर डिसीज, कार्डिक डिसीज या पल्मोनरी जो लंग डिसीज है, उनके बारे में जो गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होंगे उसमें मान लीजिए ये एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है तो इसके छोटे से हिस्से को प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाएगा और वो यहाँ पर प्राइवेट प्रैक्टिस कर पाएंगे, जिसके लिए वो जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है उनका इलाज करेंगे, और इसके लिए वो किसी भी व्यक्ति से उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल से इतर कितना भी चार्ज कर सकते हैं। कंडीशन ये होगी कि ऐसे लोग जो नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के अंतर्गत आते हैं वो उनको मनचाहा चार्ज नहीं कर पाएंगे, हालांकि वो उनसे कम पैसा लेंगे लेकिन जो बाकी का रिमेनिंग अमाउंट होगा वो गवर्नमेंट उनको पे करेगी। इसके साथ ही साथ जो गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ब्लड बैंक या फिर जो मुर्दा घर है, वो उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। अब यहाँ पर भी एक कंट्रोवर्सी है कि ब्लड बैंक वगैरह की तो इतनी स्कैसिटी ऑलरेडी है, अगर प्राइवेट एंटिटीज भी इसका इस्तेमाल करेंगी तो जो जरूरतें हैं वो कैसे पूरी हो पाएंगी। तो ये जो नीति आयोग का ड्राफ्ट है मैंने उसका जिक्र किया। अब देखिए हम देखते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो जरूरत की चीजें हैं उनकी काफी कमी होती है, बेड्स की जो हालत होती है वो अच्छी नहीं होती है,
जो बेसिक सर्विसेज होती हैं वो अच्छी नहीं होती हैं, सैनिटेशन एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है, और टाइम बाउंड जो सर्विसेज हैं वो बहुत आसानी से प्रोवाइड नहीं करवाई जा पाती हैं। इस कंडीशन में जो ज़रूरत है वो इस बात की भी है कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया जाए। बहुत ही खराब इंफ्रा होता है इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स का। इस कंडीशन में प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है कि थोड़ी सी राहत दे, लेकिन अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं करेंगे, वहां की जो बेसिक नीड है उसको बेहतर नहीं करेंगे, तो प्राइवेट सेक्टर जो निश्चित तौर पर कॉमन लोग हैं उनकी जो जरूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पाएंगी, और ये बिल्कुल वैसे ही सिस्टम हो जाएगा जैसे कि लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बजाय प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना प्रेफर करते हैं। वही कंडीशन हमें अब वहां भी देखने को मिलेगी कि जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही प्राइवेट हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज हैं तो फिर कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को अप्रोच क्यों करेगा, जबकि वहां पर जो बेसिक फैसिलिटीज हैं वो अवेलेबल ही नहीं है। तो ये थोड़ी बात मैंने आपको यहां पर बताने की कोशिश की। आइए देखते हैं कि आर्टिकल में क्या है। आर्टिकल में हम ये देखते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उनका पोटेंशियल तो काफी अच्छा है, लेकिन उसको अभी तक रियलाइज नहीं किया जा सका है। जो बेसिक जरूरतें हैं उन हॉस्पिटल्स की वो पूरी नहीं हो पाती हैं, और इस वजह से लोग अर्बन हॉस्पिटल्स में जाना ज्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, इसके साथ ही हम देखते हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है प्राइवेट एंटिटीज के साथ तो निश्चित तौर पर ये एक थ्रेट क्रिएट करेगा, ये रिस्क होगा हमारे पब्लिक हेल्थ सिस्टम पर। एक जो मेजर कंसर्न है वो ये भी है कि जो बल्क ऑफ हेल्थ स्पेंडिंग है वो किस तरीके से पूरी की जाएगी। क्या इसको गवर्नमेंट फंड करेगी या सब्सिडी देगी इन प्राइवेट एंटिटीज को, या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर है उसको कॉन्ट्रैक्ट में किस तरीके से डील किया जाएगा। ये भी कुछ फर्दर इश्यूज हैं जो यहाँ पर बात की जा रही है। और एक बात ये है कि गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है हेल्थ फॉर ऑल ऑब्जेक्टिव के तहत नेशनल हेल्थ पॉलिसी में, वो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का है। और अगर ऐसा किया जाएगा कि वो जो प्राइवेट एंटिटीज हैं वो केवल ऐसे लोगों को रियायती दरों पर इलाज करेंगी जो कि नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के अंतर्गत आते हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो इसेंस है यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ हेल्थ टू ऑल उसको नुकसान पहुंचाएगा, और जो सर्विस डिलीवरी है पब्लिक हेल्थ सिस्टम की उसको भी ये नुकसान पहुंचाएगा। हमने देखा कि जो मार्केट ड्राइवन अप्रोच यहाँ पर ले जाने की कोशिश की गई है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, ये जो गवर्नमेंट का रियल ऑब्जेक्टिव है उसको भी डिफीट करने वाला होगा। ये जो एक प्रोविजन किया गया है कि 50-100 बेड्स जो हॉस्पिटल्स में होंगे उनको इंक्रीज कर दिया जाएगा, ये निश्चित तौर पर एक अच्छा अप्रोच है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज को रोकने के लिए, उनका समाधान करने के लिए। लेकिन देखिए, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का जो रोक है या जो उनका समाधान है वो केवल बेड्स रिजर्व कर देने से नहीं होगा, ये लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है, हमें उस पर भी ध्यान देना होगा। जैसे कि लिकर कंजम्पशन या टोबैको कंजम्पशन, इन चीजों की वजह से भी ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज होती हैं वो बढ़ती हैं। तो हमें एक प्रॉपर पॉलिसी बना के इस चीज को कंटेन करने की जरूरत है। वे फॉरवर्ड में हम ये बोल सकते हैं कि हमें एक स्ट्रॉन्ग ओवरसाइट लेने की जरूरत है ताकि जो एथिकल और रैशनल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं उनको ये प्राइवेट एंटिटीज भी फॉलो करें। ये जो प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन है ड्रग्स का उसको भी कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए और उस पर भी गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए। साथ ही ये जो सक्सेस है इस सिस्टम की वो इस बात पर डिपेंड करेगी कि इसका जो मेडिकल आउटकम है वो क्या निकलेगा, साथ ही कम्युनिटी इस सर्विसेज से कितनी सेटिस्फाइड होंगी, साथ ही इसका ऑडिट भी प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। साथ इसके अलावा जो कैग है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उनको इन चीजों को ऑडिट करने का राइट दिया जाना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल था जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। आइए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी के बारे में आपको यहाँ पर बात करनी है। पहला स्टेटमेंट है कि ये जो मार्केट फोर्सेस हैं उनके रोल को एलिमिनेट करता है लॉ के द्वारा। पहला स्टेटमेंट है सही या गलत है। दूसरा, ये हाई डिग्री ऑफ कॉम्पिटिशन क्रिएट करता है कमोडिटी और फैक्टर मार्केट में। तीसरा, जो प्राइवेट गेन होते हैं वो बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटीज के थ्रू कैरी होते हैं या गाइड होते हैं। आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो मैं आपको बता देता हूँ, पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यहाँ पर लॉ के थ्रू जो मार्केट इकोनॉमी है उसको कंट्रोल करने की कोशिश बिल्कुल नहीं की जाती है। और हमारा जो सही जवाब है वो है B, 2 and 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला जो सवाल है वो इन्वॉल्वमेंट से रिलेटेड है। इन्वॉल्वमेंट एग्रीमेंट में ये कौन से जो स्टेटमेंट्स हैं ये सही हैं और कौन सा नहीं है। इसमें एक ऐसा स्टेटमेंट है जो गलत है और बाकी तीन सही हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है। पहला है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 1987 का था वो ओजोन डिप्लीशन से जुड़ा हुआ है, सही है गलत है। दूसरा, जो बॉन कन्वेंशन है 1979 का ये माइग्रेटरी स्पीसीज से जुड़ा हुआ है, सही है गलत है। तीसरा, जो बेसल कन्वेंशन है 1989 का
ये ट्रांस बाउंड्री रेगुलेशन से जुड़ा हुआ है, आपको बताना है सही है गलत है, और लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से है ये, ठीक। और जो चौथा है रोटरडम कन्वेंशन 1998 का, ये हैजार्डस केमिकल एंड पेस्टिसाइड से जुड़ा हुआ है। तो मैं आपको बता देता हूं ये तीसरा जो कन्वेंशन है ये गलत है, क्योंकि जो बेसल कन्वेंशन है ये हैजार्डस मटेरियल से जुड़ा हुआ है, ना कि ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट या ट्रांजिंग से या लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से, LMO से ये जुड़ा हुआ नहीं है। तो यहां पर इसका जवाब दिया गया है सी इज इनकरेक्ट। यहां पर जो हमारा आज का डिस्कशन होता है वो खत्म होता है। इसका अभी न्यूज डिस्कशन अपडेट किया जाएगा, आप उसको भी जरूर से देखें। साथ ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपका सब्सक्रिप्शन हमें और काम करने के लिए मोटिवेट करता है। अगर आपका कोई भी सजेशन है इस वीडियो की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए या फिर इस डिस्कशन को और बेहतर करने के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें। मुझे खुशी होगी अगर आपके सजेशंस को मैं फॉलो कर पाऊंगा। साथ ही अगर आपको कोई शिकायत है तो आप उसे भी वहां पर दर्ज करें, मैं उसे दूर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस डिस्कशन।